तो गाइस ये टायर घुमा के बताती है कि मैं स्टार्ट हो गई हूँ। गाइस ये 4x4 है, थार को टक्कर देने के लिए बनाई है भाई ने। तो हेलो गाइस, आप लोगों के लिए लेके आए हैं आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसी चीज जो मतलब बनाने से पहले हम भी नहीं सोच रहे थे कि इतनी अच्छी बनेगी और इतनी कमाल बने। राहुल ने एक ऐसी चीज बनाई है जो एक फन भी है और एक मतलब एजुकेशनल वीडियो भी आप कह सकते हो, एक टेक्निकल भी कह सकते हो और मजा तो भरपूर आने वाला है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या है वो डिवाइस और क्या जुगाड़ है ये। और ये रहा राहुल का डिवाइस। तो भाई आप देख सकते हो गाड़ी है और ये पूरी ब्लूटूथ से चल रही है। और ये रहा राहुल जो इसको ऑपरेट कर रहा है, एंड पूरा क्रेडिट राहुल को है कि राहुल ने इसको बनाया, बहुत मेहनत लगी है। और सबसे पहले तो आप देखो गाइस इसको, कितनी क्यूट सी गाड़ी है ये, इसको उठा सकते हैं ना इसे। तो गाइस ये देखो गाइस क्या क्यूट सी गाड़ी है, क्या मस्त इसकी लुक बनाई है भाई ने। तो गाइस चलो सीधा बात करते हैं राहुल से जो क्रिएटर है इस चीज का, और पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो राहुल सबसे पहले सबको ये बताओ कि ये आइडिया कहाँ से आया था ये प्यारा सा डिवाइस बनाने का? ये आइडिया इस तरीके से आया था, मैंने पहले बहुत बच्चों को देखता था वायरलेस या कोई ना मतलब कार चलाते हैं, तो उस टाइम तो इतना नहीं होता था फाइनेंशियली कि हम लोग इसे खरीद सके। तो 12th के टाइम पे इसको स्क्रैप से मैंने बनाया था, मतलब बिल्कुल लोहा काट के और जो बेकार बैटरीज होती है उनको यूज करके, तो उस तरीके से बनाया था। फिर इसके अंदर धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करते हुए जैसे जैसे नॉलेज आती रही, वायरलेस किया, टायर्स बड़े लगाए, वो सब किया इसका। और ये मतलब मटेरियल क्या है, मैं मतलब देख रहा हूँ कि लोहा है ये, और ये मटेरियल कैसे है, मतलब कोई और बनाना चाहे तो क्या उसको हम कहें कि क्या यूज हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर देखो अब पहले जो था वो नॉर्मल थी, अब इसके अंदर कंट्रोलर वगैरह लगाया, थोड़ी सी कोडिंग वगैरह है, बाकी ये है कि चार मोटर्स हैं ये इंडिविजुअली कंट्रोल हैं, वो इस आईसी से कंट्रोल होती हैं, मतलब एक एच ब्रिज की आईसी है उससे कंट्रोल होती है। ये ब्लूटूथ है जिसके थ्रू हम मोबाइल के थ्रू इसको कमांड देते हैं, फिर ये इसको आगे चलाता है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट जो भी है सारा ये। और हम मोटर देख रहे हैं कि मोटर मतलब ये गाइस ये 4x4 है, थार को टक्कर देने के लिए बनाई है भाई ने बहुत पहले से ही। आप देख लो इसके अंदर मतलब चारों टायर में अलग अलग मोटर्स लगी हैं, मेरे को दिख रहा है इसमें, है ना? हाँ, ये हर एक की वायर से अलग अलग कंट्रोल। तो ये मोटर मतलब कितना लोड उठा लेगी या क्या सिस्टम है? मतलब ये है कि ये कहीं पे भी ना इसका टायर जाम नहीं होते, इतनी पावर है इसके अंदर। अच्छा, और मतलब निकल जाती है इजीली कहीं से भी? इजीली निकल जाती है आराम से, और पूरी लोहे की है, मतलब कहीं से भी कुछ भी आप ले जाके कर सकते हो ऑफ रोडिंग। एक लोहा बनाया था मारुति वालों ने हमें, मतलब जिसको हम नाम लेते हैं कि मारुति जो 800 थी, कहते हैं वो प्योर लोहा थी, उसके बाद दुनिया में जो लोहे की गाड़ी बनी है वो ये बनी है जो बिल्कुल एकदम दब के चलती है गाड़ी। एंड आप लुक देखो गाइज कितनी प्यारी लुक है इसकी। और भाई अब मेन बात करते हैं कि अगर किसी ने भाई को इच्छुक हो बनाने का तो वो क्या कंपोनेंट लेकर आए, क्या क्या चीजें लगेंगी इसमें, मतलब हमें डिटेल में थोड़ा सा बताया जाए कि क्या क्या लगा के वो बना सकता है और कितनी कॉस्ट आ जाएगी अगर एक बंदा स्क्रैप यूज करके भी बनाना चाहे तब भी, मतलब पैसे तो कुछ ना कुछ तो लगेंगे। हाँ, मैंने क्या किया था, जहाँ से स्क्रैप से जो जो चीजें मिल सकती है, जैसे इस लोहा इसको कट करके इसकी बॉडी बनाई, ये बैटरीज थी लैपटॉप, ओल्ड लैपटॉप होते हैं ना, तो उसकी बैटरीज इतनी होती है कि आप एक मतलब चीज चला सकते हो, ऑल्दो हाई पावर नहीं बट हाँ नॉर्मल कार वगैरह में चल जाएंगी, तो उसकी लैपटॉप की बैटरीज हैं ये, ठीक है। और ये आईसी मिल जाती है लोकल मार्केट से भी, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते हैं इसके अंदर मिल जाती है, L293D करके आईसी होती है, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है 8005 करके, ये मिल जाएगा, मोटर्स मिल जाएंगी, टायर्स मिल जाएंगे, ये भी मार्केट से लोकली, अंदर कंट्रोलर होता है, बस वो थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है कंट्रोलर वाला, जैसे कई लोग अगर आसानी से बनाना चाहते हैं तो आर्डुइनो यूज करके, इजी प्रोग्रामिंग है उसे, इजी प्रोग्रामिंग को आप लिख के चला सकते हो, मतलब आप लोग घर में भी बना सकते हो अगर अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो या इंटरेस्ट है उसमें आपको, तो आपको ये कंपोनेंट सबके नाम पता होंगे, कौन किस लिए यूज हो रहा है ये तो पता ही होगा, तभी आप लोग मतलब इंटरेस्टेड हो उस फील्ड के हो, ठीक है ना? तो ये घर में लाके बना सकते हो। और इसकी एक बार ये देखो गाइस स्टार्टिंग देखो जरा, इसकी स्टार्ट होती है, स्टार्ट करियो तो गाइस ये टायर घुमा के बताती है कि मैं स्टार्ट हो गई हूँ एंड आई एम रेडी टू यूज, और ले चलो जहां भी जाना है। और अभी इसके अंदर हमने टायर थोड़े छोटे लगाए हुए हैं
और आने वाले टाइम में इसकी जब दोबारा वीडियो बनाएंगे हम, तो इसमें थोड़े हैवी टायर लगाएंगे ताकि ये और दब के चले, क्योंकि हम इसको आज ऑफ रोडिंग कराने लेके आए हैं। और ये बनाई थी 2012 में। हाँ, 2012 के बाद आज 2023 को हम वीडियो बना रहे हैं, और तब से लेके अब तक इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन करता रहा है, शौक में मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहे। अभी इन फ्यूचर हम सोच रहे हैं कि शायद इसके अंदर हम छोटा सा एक कैमरा लगा दें आगे, जो हमें व्यू भी देता रहे मोबाइल के अंदर ही, और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा एक ड्रोन। ड्रोन आने वाला गाइस, ऐसे ही देसी जुगाड़ से बहुत जल्द। तो जितने भी इंटरेस्टेड होंगे प्लीज वीडियो को सेव करके रखना और फॉलो करके रखना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और शॉर्ट्स देख रहे हो तो देखते रहो, हम कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे तुम्हें मस्त मस्त। तो गाइस जो इसकी ऑपरेटिंग है वो राहुल ने मोबाइल में की है एक एप्लीकेशन के जरिए, एंड राहुल इसको मोबाइल से ऑपरेट करता है। आप देख सकते हैं ये राहुल ऑपरेटिंग कर रहा है इस समय इसको, ये इसका पूरा कंसोल दिया गया, और वो गाड़ी हमारी वहाँ सामने चल रही है ये देखो, और ये ब्लूटूथ से वायरलेसली चल रही है, और मतलब सब लोग देख रहे हैं जितने भी लोग यहाँ पार्क में आए हुए हैं। और इसकी रेंज भी गाइस बहुत बढ़िया, देखो हम यहाँ पर हैं इस समय, और इसकी रेंज आप लोग देख लीजिए कहाँ तक जाएगी। एक ब्लूटूथ की रेंज जितनी होती है ये वहां तक इजीली पहुंच जाती है। एंड गाइस वो जा रही है गाड़ी हमारी, चलती जा रही है। अभी तक कितनी दूर जाएगी ये? तो गाइस अभी तक रेंज आ रही है गाइस। एंड राहुल हमसे बहुत दूर है, वहां है वो, और गाड़ी यहां तक पहुंच चुकी है एंड स्टिल चल रही है। थोड़ी स्पीड स्लो हो गई है दूर आने की वजह से, बट फिर भी इतनी दूर तक ही आ चुकी है, अभी भी चल रही है, वर्किंग है। बस तो गाइस इतनी दूर से चली है, राहुल वहां है और गाड़ी यहाँ है, तो काफी ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब मजेदार चीज है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करना, शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं या जिनका रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। अगर कोई बड़ा देख रहा है तो जितने भी बच्चे उनके घर के जो इंटरेस्टेड है उन तक पहुंचाना ये वीडियो, आप लोगों का फर्ज है, वीडियो बनाना हमारा फर्ज था, आपको दिखा दिया, थोड़ी नॉलेज भी दी, और जल्दी ड्रोन लेकर आएंगे और इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो आपको जरूर दिखाएंगे। ओह।